बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी। नाजरीन, आज मैं एक लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूं पीआईए के हवाले से। पीआईए का मस्बत जो चेहरा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल बात कुछ इस तरह से है, पीआईए का जो नेगेटिव चेहरा है वो हर नेटवर्क दिखा रहा है आपको, चाहे वो हमारे डिफरेंट टीवी चैनल्स हों चाहे वो सोशल मीडिया। मजीद लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। बात कुछ इस तरह से है कि पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पीआईए कराची एयरपोर्ट पर मौजूद पीआईए के अमले ने एक ईमानदारी की मिसाल कायम की है। दरअसल ये मामला क्या है, मामला कुछ इस तरह से है कि एक गैर मुल्की मुसाफिर हैं जो इस्लामाबाद से कराची लैंड करते हैं। अब जो उनका बैग है उस बैग के अंदर तकरीबन 15 लाख से पाकिस्तानी 15 लाख से भी ज़्यादा जो है उसके अंदर रकम है। वो बैग जो है जिससे वो प्रवास करके आते हैं, जिस फ्लाइट से PK 369 से वो प्रवास करते हैं और वो लैंड करते हैं कराची, उस फ्लाइट के अंदर उनका जो बैग है वो रह जाता है। उसमें 15 लाख से ज़्यादा रकम भी है और उसके अंदर जो है उसके उनके कीमती दस्तावेजात भी हैं और पासपोर्ट भी है, वो फ्लाइट के अंदर रह जाता है। अब मुसाफिर को जैसे पता चलता है कि मेरे पास मेरा बैग नहीं है, वो तो जहाज़ में रह गया, वो फ़ौरन से पहले एयरपोर्ट हुकाम को आगाह करते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट जो पीआईए अमले को कहती है, उसके बाद उस पर उस बैग की जो है वो तलाशी स्टार्ट की जाती है, शुरू करना। वो बैग मिल जाता है, उसके बाद जो है वो बैग जब मिल जाता है तो मुसाफिर को आगाह किया जाता है कि आपका बैग मिल चुका है, और वो आके पीआईए का अमला जो है मुसाफिर को वो बैग वापस कर देता है। और इसके ऊपर जो है पीआईए के जो मुसाफिर हैं जिसमें वो ट्रैवल किया गया मुमकिन है, वो पीआईए का शुक्रिया अदा करता है और वो खुशी का इजहार करता है इस बात पर। अच्छा, अब बात की जाए पीआईए के नेगेटिव पॉइंट्स की। पीआईए के नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि पीआईए जो है वो आजकल पाकिस्तान में खसारे में जा रही है। पीआईए ने मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ क्योंकि इनकी फ़्लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं, लेट कर देते हैं। और इसके अलावा पीआईए का कभी इंजन का मसला हो रहा है, पीआईए का कभी ये पुर्जा ख़राब हो गया, पीआईए का कभी ये पुर्जा ख़राब हो गया। ये तो थी इनके नेगेटिव इमेजेस, मैं नहीं बात कर रहा, पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है वो बात कर रहा है, और प्रिंट मीडिया की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो ऐसे ही छाप देते हैं। अच्छा, बात किस तरह से है कि जितने भी पॉजिटिव इमेजेस हैं पीआईए के वो हमें याद रखने चाहिए, और जितना भी पॉजिटिव इमेज हो किसी भी डिपार्टमेंट का है